सीटों पे कड़ा मुकाबला मार रहे बस्तर के प्रत्याशी, कुछ दो तीन सीटों पे कड़ा मुकाबला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन जगहों में भी हमारी जो आने वाला हमारा जो एजेंडा है वो तय है। और आपको एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो कर्जा लिए हैं और जो बड़े किसान हैं वो भी कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार जो सरकार है, दावा तो 2018 में भी की थी, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आम आदमी की तरह लाइन में लग के अपने वोटिंग। देखिए, अनुशासन है, मतदान हम लोग मतदान करने आए हैं। अभी तो मैं भी एक आम मतदाता हूँ, अनुशासन में रहकर हम लोग भी मतदान। महादेव ऐप को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। महादेव ऐप एक तरह से सोची समझी साजिश है, एक बनाया हुआ एक मतलब एक तैयार किया हुआ स्क्रिप्ट है। हम लोग शुरू से अंदेशा था और वही करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतदान पर या छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकते हैं और वो जानबूझ के प्री प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं। देखिए, बस्तर जैसे क्षेत्र में शिक्षा बहुत जरूरी है। हम बस्तर को भी केरल बनाना चाहते हैं और आने वाला पीढ़ी क्या नहीं चाहता बस्तर इंग्लिश बोले। हम चाहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार चाहती है, हमारी सोच है कि बस्तर के बच्चे भी इंग्लिश बोले। इसलिए हम आने वाला समय में बस्तर में इंग्लिश मीडियम का ज्यादा फोकस करेंगे।